तो बच्चों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? Somehow an ant is stuck to the rim of bicycle wheel of diameter 1 meter. यानी एक व्हील है, उसके रिम पे एक चींटी फंस गई है. While the bicycle is on central stand, यानी जब बाइसिकल को सेंट्रल स्टैंड पे रखा तो व्हील इज सेट इनटू रोटेशन, यानी व्हील को हमने घुमाना चालू किया. तो इनिशियली व्हील कैसे थी? तो वो रेस्ट में थी और हमने उसे घुमाना चालू किया. एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 revolution per second in 10 seconds. यानी 10 सेकंड बाद हम देखते हैं कि उस व्हील की फ्रीक्वेंसी होगी 2 revolution per second विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन. यानी जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा था वो कैसा था? वो यूनिफॉर्म था. अब हमको निकालनी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंड इन 10 सेकंड. यानी 10 सेकंड में उस एंड ने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं वो हमें निकलना है. दूसरा हमें निकलना है टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन. यानी पूरा एक चक्कर, पहला चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगा है वो हमें देखना है, और लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन के कितना टाइम लगा है वो भी हमें निकालना है. तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमारा डेटा निकाल लेते हैं. तो डेटा क्या है? इनिशियली हमारे व्हील कैसी थी? वो रेस्ट में थी. यानी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको हम बोलेंगे एन नॉट. वो कैसी थी? वो थी 0. जब टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड हो गया तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे एन, और वो कितनी आई? तो वो आई 2 revolution per second हो गई है. तो हमको क्या क्या बोला है? तो सबसे पहले हमको बोला है एन निकालो. क्या कितना? जब आपका टाइम टी 10 सेकंड हो जाए तो उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए उसको हम कैपिटल एन बोलेंगे, उसको निकालो. दूसरा हमें क्या बोला है? टाइम निकालो कि पहले रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा वो हमें निकालो बोला है. तीसरी चीज हमें क्या बोली है? तो जो लास्ट रिवॉल्यूशन है उसके लिए कितना टाइम लगा वो निकालो. तो ये चीजें हमें निकालनी है. तो आइए सॉल्व करते हैं. बच्चों आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा, वो क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस. इसका एंगुलर में काइनेमेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? तो v की जगह पे हम लिखेंगे ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर. u की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ओमेगा नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 2. ये क्या है? एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन. और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे दिखाते हैं? अल्फा से दिखाते हैं. एस क्या है? तो एस है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. ओमेगा क्या था? तो ओमेगा हमारे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी थी. अब हमको क्या करना है? तो इसको हमें रीराइट करना है और अल्फा के फॉर्म में निकलना है. तो मैं क्या करता हूँ, ओमेगा नॉट को इधर लेके जाता हूँ, तो ये क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा. ये इधर चलेगा, ये 2 थीटा इसके नीचे चलेगा, इज इक्वल टू अल्फा. इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1. हमें अल्फा के लिए दूसरा और इक्वेशन पता है, वो क्या होता है? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी. ये दूसरा इक्वेशन हमें पता है. अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे. तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे हमें क्या मिलेगा? हमें यहां पर मिलेगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा. अब ये किसके फॉर्म में है? तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, इस फॉर्म में हम लिखते हैं. तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे. तो सबसे पहले ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट
डिवाइडेड बाय 2 थीटा। तो यहां पर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ये दोनों तरफ से कट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलता है थीटा की वैल्यू। और थीटा की वैल्यू क्या है, तो वो थीटा अगर मैं इधर लेके जाऊंगा और टी इधर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इंटू टी अपॉन 2 मिल जाएगा। अब हमें पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एन, और ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट हो जाएगा 2 पाई एन नॉट। ये भी हम अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा क्या आएगा, 2 पाई एन प्लस 2 पाई एन नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोनों मेरे तरफ से 2 पाई को कॉमन निकाल लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन प्लस एन नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 मर गया है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू पाई इंटू एन प्लस एन नॉट इंटू टी ये वैल्यू आ जाएगी। अब एन कितना है, तो एन है 2 रिवॉल्यूशन, एन नॉट कितना है, तो एन नॉट है 0। ये सब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ, पाई इंटू 2 प्लस 0, और टी कितना है, तो टी है 10 सेकंड। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 20 पाई। थीटा कितना आ गया, 20 पाई। तो मुझे पता है एक रिवॉल्यूशन के लिए थीटा कितना होता है, तो वो होता है 2 पाई। तो मैं लिखता हूँ फॉर 1 रिवॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो फॉर हाउ मेनी रिवॉल्यूशन थीटा विल बी 20 पाई। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यूनिटरी मेथड यूज करूंगा, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। तो ये कितना आता है, n की वैल्यू आती है 10 रिवॉल्यूशन। यानी मान लो अगर एक रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई लगता है, तो 20 पाई में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, तो 20 पाई में 10 रिवॉल्यूशन हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट खत्म। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट है कि पहले रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगने वाला है वो हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब मुझे अल्फा की वैल्यू नहीं पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा के लिए फॉर्मूला है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ओमेगा नॉट कितना आएगा, तो वो 0 आएगा, क्योंकि इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमारी 0 है, तो यहाँ पर ओमेगा नॉट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई एन, ये लिख दिया मैंने 2 पाई एन डिवाइडेड बाई टी कितना है, तो वो है 10। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू है 4। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कितना आएगा, 4 पाई अपॉन 10। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, तो ये आ गया 2 पाई बाय 5। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 5। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट रिवॉल्यूशन है, तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन है मतलब थीटा कितना आना चाहिए, तो थीटा आना चाहिए 2 पाई। पहले रिवॉल्यूशन के थीटा कितना आएगा, 2 पाई आएगा। अल ओमेगा नॉट आएगा 0, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 0 × 2 क्या होता है, 0 होता है, प्लस हाफ। अल्फा कितना आया, अल्फा आया 2 पाई अपॉन 5 इंटू टी स्क्वायर। 2 से 2 मर गया, पाई से पाई मर गया, ये 5 इधर चले गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी कितना आ गया बच्चों, टी आ गया √10। कितना आ गया, टी आ गया √10। तो जो टाइम कितना लगने वाला है, तो टाइम लगने वाला है √10। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब हमको निकालना है लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो हमें पता है टोटल टाइम हमको कितने लगने वाले हैं, तो टोटल टाइम लगने वाला है 10 सेकंड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल टाइम को टी दर्शाता हूँ, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। हमको पता है कि 10 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो पहले 9 रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगने वाला है, वो टाइम
इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगने वाला है वो हमें मिल जाएगा। तो आइए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो थीटा नाइन क्या आएगा, थीटा नाइन आएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो नाइन्थ रिवॉल्यूशन यानी कितना होता है, तो वो होता है 9 × 2π। तो 9 × 2π कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 18π। ओमेगा नॉट अभी भी जीरो है प्लस हाफ इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, तो अल्फा की वैल्यू निकाली थी 2π/5 इंटू टी नाइन स्क्वायर। इसको बोल देते हैं दो से दो मर गया, पाई से पार गया मर गया, 5 × 18 कितना हो जाता है 19। तो ये टी नाइन स्क्वायर कितना आ गया, तो वो आ गया 19। तो टी नाइन कितना आएगा, तो टी नाइन आएगा √90। तो √90 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 9.486। तो ये आ गई 9 रिवॉल्यूशन के लिए इतना टाइम हमें लगने वाला है। तो यहाँ पर टोटल टाइम में से ये टी नाइन को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम मिल जाएगा, तो 10 − 9.486। तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.513। तो टाइम फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन कितना आएगा, 0.513 सेकंड आ गया है।